टीवी पर नशरियात का भी आगाज कर दिया। तर्जुमान तालिबान मोहम्मद नईम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क व कौम की आज़ादी का मकसद हासिल कर लिया है और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तालिबान को 20 साल जद्दोजहद और कुर्बानियों का फल मिल गया। उन्होंने कहा है कि किसी दूसरे मुल्क के मामलों में मुदाखलत नहीं करेंगे और कोई दूसरा मुल्क भी हमारे मामलों में मुदाखलत से गुरेज करे। मोहम्मद नईम ने कहा है कि हम पूरे एतमाद के साथ दारुल हुकूमत काबुल में रहना चाहते हैं, जबकि आलमी बिरादरी के तहफात पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हम पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं, जबकि हमें अशरफ गनी के फरार होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई है। दूसरी जानिब तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी टीवी पर नशरियात का आगाज कर दिया है और सरकारी टीवी पर तालिबान की जानिब से आवाम से पुरअमन रहने की अपील की जा रही है।